कुछ पता, आपका ऑन स्क्रीन इमेज काफ़ी सेक्सी रहा है तो, और आपने जिस तरह के किरदार किए हैं काफ़ी विलेनियस रहे हैं, तो ये दोनों इमेजेस क्या अब जिस आपके कैरेक्टर्स को कभी इफेक्ट करती है आपकी सेक्सी इमेज? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से जो पम्मी का रोल कर रही थी देश में निकला होगा चांद में, वो तो मतलब अनु से बहुत ज़्यादा सेक्सी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे और इंटरेस्टिंग और सेडक्टिव कपड़े पहनती थी। तो आई डोंट थिंक कि नेगेटिव रोल की वजह से ही इंसान मतलब वो सेक्सी का टैग लगता है। आई फील दैट लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अच्छी बहुएँ होती हैं वो बहुत ही कवर्ड होती हैं, इसलिए सुशील होती हैं, लेकिन जो नेगेटिव होती हैं उनका अपना दिमाग होता है तो वो कुछ भी कपड़े पहन लेती हैं, तो उन्हें लगता है कि दैट इज़ द नेगेटिव इमेज जो कि है इज़ रिलेटेड टू स्किम्पी क्लोदिंग। बट मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है, सो आई डोंट थिंक द क्लोथ्स मैटर विद द इमेज। ऑल्दो हाँ, हमारे टेलीविजन पे नेगेटिव रोल्स को बैकलेस ब्लाउजेस और यू नो ऐसे शॉर्ट क्लोज वगैरह दिए जाते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वैसे आप खुद भी कपड़ों की काफ़ी शौकीन हैं, आपकी खुद की भी इमेज इवन ऑन अ पर्सनल लेवल सेक्सी है, तो ये किस तरीके से आप हैंडल करती हैं ये जब से व्हेन समबडी मेक्स अ पास? देखिए, मैं एक चीज़ में विश्वास करती हूँ कि इफ़ यू गॉट इट यू फ्लॉन्ट इट। सो अगर आपके पास वो बॉडी है कैरी करने के लिए कपड़े, तो वाई नॉट वेयर इट। एंड अनदर थिंग इज़ दैट आई डोंट ड्रेस फॉर पीपल, आई ड्रेस फॉर माई सेल्फ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पहनती हूँ। अगर मुझे लगता है कि आई लुक नाइस इन अ पर्टिकुलर आउटफिट, मुझे साड़ियाँ भी बहुत पसंद है, तो यू इधर सी मी इन साड़ीज और यू सी मी इन अ वेस्टर्न आउटफिट। बट अगर मुझे कोई एनी बॉडी मेक्स अ पास एट मी, आई जस्ट इफ इज़ इंटरेस्टिंग आई आस्क हिम हू ही इज़, एंड इफ इज़ नॉट इंटरेस्टिंग आई जस्ट ग्लेयर एट हिम रियली बैडली सो दैट ही गेट्स द मैसेज एंड ही मूव्स अवे। वैसे क्या है जो आपको इतना हॉट बनाता है? I don't know. I don't think it's the clothes. I think it's the personality. Style is something you either have or you don't. But personality is something that, I mean, style you can develop rather, but personality is something that you're born with. So I feel that it's the personality of a person that makes you hot or sensuous, and not really what you wear. Although wearing good clothes helps, but how you wear it and how you carry it is where the personality bit comes in. क्या आप ये कहना चाहेंगे कि आप बॉर्न सेक्सी हैं? आई डोंट नो दैट, मैं नहीं जानती हूँ, बट आई नो आई हैव माई ओन स्टाइल, बट आई डोंट नो वेदर सेक्सी और नॉट। लाइक आई सेड, मैं अपने लिए तैयार होती हूँ, तो आई रियली डोंट नो। वैसे मर्दों के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करेगा? फिजिकली आई थिंक अ मैंस बट and also I think his eyes, he should have honest eyes. आँखें तो आपकी खूबसूरत है नहीं, लेकिन आपको पता है हम आगे क्या पूछने वाले हैं? क्या? A man's butt and his eyes. आपके बारे में क्या? आपकी आँखें तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन क्या लगता है आपको? मुझे अपने बारे में क्या अच्छा लगता है आप पूछ रहे हैं? हाँ जी। आई थिंक नो, इट्स वेरी नॉन बायस्ड, ये सब आपको मुझे बताना चाहिए कि आपको मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है। मैं बहुत ही बायस जवाब दूंगी, तो फॉरगेट इट। बायस जवाब ही सही। आई लाइक माय हेयर, बट दैट्स वेरी सुपरफिशियल। ओके, आई थिंक आई मीन लाइक यू सेड, माय आईज एंड ऑल्सो माय स्माइल। आई थिंक आई हैव एन एनर्जेटिक लाइवली स्माइल, सो दैट्स माय USP। इसे कहा जाता है कि एक बार आपने कहा था कि you have one of the sexier butts in the industry. I didn't say I have one of the sexier butts in the industry. All I said is that my butt is my asset, because that's what I felt. So I'm not saying that it's one of the sexier things in the industry. No, I don't know. Matlab, I don't compare to anybody. But I just feel that butt is my asset. Yeah, आपको क्यों लगता है? बहुत कम लोग होते हैं जो इतना boldly कह देते हैं। मैं सोच हाई पे चाय करता हूँ। I don't know. I've always been very bold, I've been very honest about everything, so I felt like that, so I said it. Why do you feel like that? Because I think it's nice, because a lot of men tell me and comment on my butt when I'm passing by, or they say things like nice jeans fit well or whatever, stuff like that, or you know, so that's why I feel that I have a good butt. I get a lot of compliments on my butt, that's why. अच्छा, तो इस बट को खास शेप करने के लिए जिम एंड वर्कआउट एंड? ऑफ कोर्स, आई हैव अ टेंडेंसी बीइंग एन इंडियन फिगर टू पुट ऑन वेट ऑन माय लोअर बॉडी, सो आई डू हैव टू वर्कआउट अ लॉट ऑन इट।
क्योंकि मैं जो कुछ भी खाती हूँ वो बट पर ही जाता है, तो जो कुछ भी खाती हूँ वो बट पर ही जाता है, तो आई नीड टू वर्कआउट क्वाइट अ बिट, अबाउट एन आवर एंड अ हाफ एवरी डे एट द जिम. उसके अलावा बस रेगुलर अच्छा खाना, नॉन फैट फूड खाना जहाँ तक हो सके. आपके हिसाब से परफेक्ट मैन कौन हो, मैन कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से परफेक्ट मैन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह करने पड़ते हैं. सो जहाँ तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी इंसान के साथ खुश रह सकते हैं, सो आई थिंक दैट वुड बी योर परफेक्ट मैन और ही वुड बी परफेक्ट फॉर यू. आपके हिसाब से लोग हमेशा कहते हैं कि ये जोड़ी अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं दिख रही है, तो दिखावे पे काफ़ी कुछ चीज़ जाती है. आपको क्या लगता है किस फिजिक के साथ आपका अपीयरेंस, आपकी जोड़ी सबसे अच्छी लगेगी? ऑनेस्टली मैं फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से मर्दों को रेट करती ही नहीं हूँ. आई डू नॉट रेट मैन एट द फिजिकल अपीयरेंस, इट्स हाउ दे टॉक, हाउ दे कम्युनिकेट. सो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन के हिसाब से तो सेवरल पीपल आई फील आर रियली गुड, बट लाइक हाउ यू मीन समबडी इन द इंडस्ट्री और हाउ, किस हिसाब से पूछ रहे हैं आप? एनीवेयर, मे बी इंडस्ट्री, मे बी पीपल आपके बिल्डिंग में भी हो कोई एज अ पर्सन या इन इंडस्ट्री. I think is my all-time favorite is Milind Suman, because I think he's got a great body and he really knows how to carry it. So he would be one of the Indian male, good-looking males that I would say existing. Another than that, who else? On television, not really, because in my opinion, television mein men don't have really good bodies, to be really honest. Very few men have good bodies, and then those men really are narcissists. They're full of themselves, so I don't like them. Like I said, Ali Asghar, because he's got a very roly-poly body, so he's very sweet and dimple his cheeks. But I wouldn't say it's a well-maintained physique, but he's like a sweet guy. What else you want to ask? Industry ki aur tum ke bare mein aapka kya khayal hai? Aapko aapke alawa aur kiski achhi body hai? Acha figure. I think Amna Sharif, she's got a very good body. I also think Shilpa has a good body. Shilpa Saklani, she has a good body. Then who else? I think quite a few girls on television have a good body. Shweta Kavatra has a good body. She's really tall, so she looks very nice. And who else? I think that's good enough. वैसे हम कब से good body की बात कर रहे हैं? आपके हिसाब से good body की definition क्या होगी? गुड बॉडी की डेफिनेशन ये होगी कि 36, 24, 36 नहीं 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 मेरे हिसाब से गुड बॉडी की डेफिनेशन 36, 24, 36 नहीं होती, लेकिन आपके हाइट के हिसाब से आपकी आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पोर्टेंट. क्योंकि अगर आपके ब्रॉड शोल्डर्स है देन यू कैन कैरी आउट मोर इंचज दैन 36, 24, 36, बट इफ़ यू आर पेटीट एंड यू आर टाइनी देन इवन लेसर देन 36, 24, 36 वुड वर्क फॉर यू. So the ideal figure is not the numbers, not these particular numbers, but an ideal figure is what suits your height and you know, your shoulders and your face structure, and I think that's what is a good figure. आपका क्या हाल है? मेरा हाल, I don't know. I think I'm okay. I should work out a little more, but overall I think I'm okay. I'm very moldable. मतलब अगर लाइक किसी रोल के लिए मुझे अगर आई फील आई शुड पुट ऑन अ लिटिल वेट, आई इजीली वर्क अराउंड इट इन अ मंथ एंड आई पुट ऑन. एंड अगर मैं मुझे लगता है कि मेरे एक दो इंच बढ़ गए हैं या एक दो किलो वजन बढ़ गया है, तो इन अ मंथ आई कैन शेड इट ऑफ ऑल्सो, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली मैं मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए टू लूज और गेन वेट. तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन सब में बैंड नहीं बचाती? नहीं बचती. मैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही बात करके बता रही हूँ कि नहीं, बैंड नहीं बचती वाइटल स्टैटिस्टिक्स की. बिकॉज़ अगर आप जानते हो आपको क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, तो उस हिसाब से द वाइटल स्टैट्स दैट यू हैव यू कैन मेंटेन इट, और यू कैन एम फॉर इट, यू कैन एम फॉर द फिगर दैट यू लुकिंग फॉर, यू कैन एम फॉर. छोटा वैसे हमारी सोसाइटी काफ़ी क्लोज है, आज भी जब हम बात करें आइदर सेक्स की या बोल्डनेस, हम कहते हैं बोल्डनेस वगैरह, इन सब पे आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से सोसाइटी इतनी रिजिड नहीं है, क्योंकि आजकल जिस तरह से फिल्में चल रही हैं, जाहिर सी बात है कि सोसाइटी ही उन फिल्मों को देखने जा रही है. तो मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा कहते हैं कि वो बोल्ड नहीं है, क्योंकि जितना वो क्रिप करते हैं कि कैसी फिल्में बना रहे हो, उतनी ही वो फिल्में हिट हो रही हैं और लोग उन्हें देखने जा भी रहे हैं. स्किन फिल्म्स दैट दे कॉलिंग देम, वो इतना अच्छा चल रही हैं. सो
आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल से के बोल्ड एंड सेक्स के लिए आई डोंट नो व्हाई सेक्स इज अ टैबू इन आवर कंट्री बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द अपील इज लाइक दे से अ वुमन्स बॉडी इज हर अपील एंड इंडियन वुमेन आर वेरी प्रिटी सो आई डोंट सी एनी हार्म बीइंग बोल्ड ईदर हम से बिग स्क्रीन की बात करें तो जैसे पीपल लाइक मल्लिका शेरावत या नेहा धूपिया उन्हें हम हमेशा कहते हैं दे आर वेरी बोल्ड और द इमेजेस दे पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन और टेलीविजन में आपको क्या लगता है मतलब व्हाट इज़ द जनरल रिस्पॉन्स एंड डू यू लाइक वॉचिंग देम ऑन स्क्रीन लगता है आई थिंक सम ऑफ देम आर रियली क्लासी एंड दे वेरी प्रिटी लाइक व्हेन अ लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा और नेहा धूपिया एक्सपोजेस आई डोंट थिंक इट लुक्स वल्गर बिकॉज इट यू नो वॉट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ टू बी एस्थेटिकली शॉर्ट इफ इट इज़ एस्थेटिकली शॉर्ट एनी थिंग विल लुक गुड बट इफ इट इज़ क्रैपिली शॉर्ट एंड इट्स वल्गरली शॉर्ट दैन नथिंग विल लुक गुड इट्स हाउ यू शूट इट इट्स नॉट वॉट यू शो एंड हाउ मच यू शो बट इट्स हाउ यू शूट स्किन यू नो दैट्स वॉट्स इम्पॉर्टेंट चूँकि हमने लारा की वगैरह बात की तो लारा ईशा इन लोगों ने आइटम नंबर्स किए थे आपने भी करियर की शुरुआत में शायद आइटम नंबर्स किए थे फिर क्या हुआ नहीं करियर की शुरुआत में नहीं किया इनफैक्ट बीच में कहीं किया अभी फिलहाल हाल ही में किया और फिल्म तो इंडिया में ठीक सी चली तौबा बट ओवरऑल मैंने तो गाना इसलिए किया था क्योंकि अलका याग्निक जी गा रही थी और बॉस्को सीजर कोरियोग्राफ कर रहे थे और नितिन रायकवाड़ जिन्होंने आतिका खंडाला लिखा था उन्होंने लिखी थी लिरिक्स तो मैंने इसलिए गाना किया टीम देखकर एंड आई हैड अ गुड टाइम डूइंग इट आई हैव नो रिग्रेट्स फिल्म डिडंट पिक अप सो मच बट इट्स ओके वन टेक्स इट इन देयर स्ट्राइड सो इट्स ओके फिर इसके बाद और जनरली एक आइटम नंबर करो तो नो बट आई हैव नेवर वांटेड टू बी टाइपकास्ट इन एनी वे सो आई हैव ऑलवेज डन अ वैरायटी लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन मैंने शुरुआत एड से की थी बहुत सारे कमर्शियल्स किए थे और फिर वीजेइंग की थी टू एन एक्सटेंड पे पीपल थॉट आई वाज ओनली अ वीजे and then I started doing soaps and I was doing only positive roles और फिर जब टेलीविजन में बूम आया तब कहानी और देश में निकला होगा चांद मेरे हाथ में आया तो उसमें नेगेटिव रोल्स थे लेकिन तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ नेगेटिव रोल्स में केपेबल हूँ लेकिन एवरीबडी नोज द इंडस्ट्री नोज दैट आई हैव डन वेरीड रोल्स सिंस ईयर्स सो आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी वन पर्टिकुलर थिंग मैं सिर्फ आइटम नंबर ही नहीं करना चाहती थी उसके बाद मुझे ऑफर्स आए लेकिन आए मेरे पास डेट्स की थोड़ी प्रॉब्लम थी तब तो मैं नहीं कर पाई और मैंने ये सोच नहीं लिया था कि मैं अभी सिर्फ आइटम नंबर्स ही करूँगी मुझे वैरायटी करनी है जैसे फिलहाल मैं थिएटर कर रही हूँ और एक डीवीडी फिल्म की है मैंने तो लव इन नेपाल में मेरा एक टॉम बॉयश रोल था जिसमें कॉमेडी था बिल्कुल इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माई टेलीविजन इमेज तो आई लाइक टू ब्रेक द स्टेरियोटाइप सो मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ आइटम नंबर्स करने चाहिए एक किया तो और ऑफर्स आएंगे तो मैं सब करूँगी आई डोंट वांट टू डू दैट अगर आपको टैटू करवाना होगा तो वो कौन सा होगा और कहाँ करवाएंगे आई थिंक अगर I ever feel like doing a tattoo, which is rare possibility. Lekin it would be my star sign because I'm a Leo. So something a little designer lion somewhere, but I think on the back here, or maybe on the ankle somewhere here. So that's where I would do it. Favorite TV show कौन सा आपका? Khichdi. Because it's really funny and I love watching shows that make me laugh. तो हमारे जो channels हैं फिलहाल उसपे तो Khichdi is my favorite. But in English, I feel really like Friends and I really like Just Shoot Me, जो कि Star World पर आता है. I really like those two shows. Passion क्या है? Reading. I love reading. I'm always drowned in a book. So that's my passion, I feel. What kind of books? All kinds of books. I've been reading a lot of philosophy recently, but currently I'm reading a very old book, a book that every kid has read, To Kill a Mockingbird. That's what I've read. But I'm greatly influenced by The Alchemist, which is written by Paulo Coelho. I think that's one of my favorite books. But yeah, like I said, I read a lot, so that's my passion. Okay. Last question. What would your favorite bedroom line be? Let's turn off the light. Oh no, rather it would be don't turn off the light.